इस so जितना ये शाइन कर रहा है अभी क्या ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी इतना शाइन करेगा कि नहीं करेगा अब जो हमें नॉट सीई टू को यूज करते हुए एक महीना ऑलमोस्ट होने वाला बीस पच्चीस दिन हो चुके हैं तो आपको एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म रिव्यू देने वाले हैं जिसमें सारी चीजें ए टू जेड सब क्लियर करेंगे तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए सबसे पहले बात करें बिल्ड क्वालिटी एंड इन हैंड फील के बारे में तो दिखने में ये फोन काफी अच्छा लगता है आप देख सकते एक प्रीमियम फिनिश डेफिनेटली ये फोन हमें दे देता है बैक साइड में यहाँ पर वन प्लस की ब्रांडिंग है बट वो कहते हैं ना जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है तो यहाँ पर इसका जो बैक है ये यहाँ पर ग्लास का नहीं है दिखने में ग्लास जैसा लग रहा है बट ये है प्लास्टिक प्लास्टिक so, के साथ ही साथ यहां पर जो है फिंगरप्रिंट मैग्नेट भी इसका बैक में जो है पूरा है बहुत अच्छे से आपके फिंगरप्रिंट यहां पर चिपक जाते हैं इसमें ये है वन प्लस का कपड़ा इससे आप अपने नोट C2 को चमका सकते हैं बीच बीच में जब भी आपका फोन गंदा हो जाए तो खरीदिए नोट C2 के कपड़ों को भी सो अगर विदाउट कवर यूज करने वाले तो डेफिनेटली आपको बार बार इसे साफ करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही जल्दी यहाँ पर फिंगरप्रिंट वगैरह लग जाते हैं प्लस एक और अच्छी बात यह है कि आप इसमें अपना थोपड़ा साक्षात देख सकते हैं कोई भी मिरर की जरूरत नहीं है एंड यहाँ पर जो फ्रेम है ये भी पूरा प्लास्टिक में है बटन की क्वालिटी भी काफी अच्छी है बट यहाँ पर वन प्लस का जो स्लाइडर आता है वो इस सीरीज में मिसिंग है नॉट सी में आपको वो स्लाइडर देखने को नहीं मिलेगा जिससे आप म्यूट या रिंग या वाइब्रेशन मोड पे डाल सकते थे फोन को वन प्लस की पहचान होती थी वो उसे तो डालना चाहिए था उसी के साथ बात करें यहाँ पर सिम कार्ड स्लॉट की तो हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल जाता है इसमें आप तीनों को एक साथ लगा सकते हैं, मतलब दो सिम लगा पाएंगे उसके साथ माइक्रो एस कार्ड एट द सेम टाइम उसके बाद आपको यहाँ पर एक हेडफोन जैक गड्ढा भी मिल जाता है इन हैंड फील भी काफी अच्छा आप इजिली इसे पकड़ के जो है आराम से एक हाथ से भी यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 6.43 इंच की आपको स्क्रीन मिल जाती है सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी एंड इन हैंड फील यहाँ पर आपको ओके okay ओके -okay मिल जाता है बिल्ड क्वालिटी में यहाँ पर ग्लास होता है बैक में तो और ज्यादा मजा आता उसके अलावा सारी चीजें यहाँ पर मेरे को परफेक्ट लगी कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है इसमें अगला मुद्दा आता है डिस्प्ले एंड साउंड क्वालिटी डिस्प्ले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिस्प्ले अच्छी नहीं होगी तो आप हमारा रंगीनियों वाला कंटेंट जो आप देख रहे हैं नहीं देख पाएंगे सो मेक श्योर करें कि ऐसे ही और कंटेंट को देखने के लिए नीचे लाल कलर के बटन को दबा के ग्रे कर दीजिए और उसके साथ घंटी को भी नीचे दबा देना 6.43 इंच की फुल एच डी प्लस एच डी आर टेन प्लस फ्लूड एमुलेट डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है जो कि यहाँ पर कॉर्निंग गोरिला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ आता है उसी के साथ आपको यहाँ पर 90 हर्ट्स का रिफ्रेश रेट मिलता है 90 हर्ट्स की जगह 120 ट्वेंटी देते तो और ज्यादा मजा आता डिस्प्ले यहाँ पर काफी ब्राइट है अगर आप इसे बाहर डायरेक्ट सनलाइट में भी देखते हैं तो आपको ईजिली यहाँ पर विजिबल रहेगी एंड ये पैनल है तो यहाँ पर आपको एंगल्स भी काफ़ी अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं बात करें बेजल्स की तो आप देख सकते हैं ऊपर एंड साइड के बेजल्स बिल्कुल ही ना के बराबर है बट नीचे का जो चिन्ह है ये थोड़ा सा मोटा है अगर नीचे वाले चिन्ह को भी और कम कर देते तो हमें और ज्यादा मजा आता था फ्रॉम द बॉटम ऑफ द किडनी ऑफ आवर हार्ट कोई सेंस है इस बात कंटेंट व्यूइंग के लिए कलर प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा निकल के आता है शार्पनिंग भी काफ़ी अच्छी है बट एक चीज मैंने यहाँ पर नोटिस की है कि यहाँ पर जो डार्क साइड है वो बहुत ज़्यादा ही डार्क हो जाता है आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं एक साइड हमारे पास Realme 9 Pro Plus है एक साइड Note CE 2, तो Note CE 2 में ज़्यादा डार्क हो रहा है ये जो लाल कलर का जिसमें चीटियाँ चलती हैं सो so ये मे भी किसी किसी लोग को अच्छा लगेगा किसी को नहीं लगेगा सो so आपके हिसाब से चॉइस है इवन यूट में आप एच डी आर वीडियो फोर के पे देख सकते हैं में एंड वहीं पे यहां पर आपको L1 का सपोर्ट मिल जाता है जिसका मतलब ये है कि एमेजोन प्राइम नेटफ्लिक्स में आप फुल एच डी कंटेंट बिल्कुल बेधड़क होकर देख पाएंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी वहीं पे बात करें साउंड की तो यहाँ पर एक दिक्कत हो जाती है साउंड में भैया मोनो ऑडियो दिया हुआ है स्टीरियो स्पीकर सेट नहीं है खाली नीचे जो है फायरिंग स्पीकर आपको मिलते हैं इस फोन में ऊपर भी होते तो और ज्यादा मजा आता क्योंकि अब जो है सारे फोन यहाँ पर ऑलमोस्ट स्टीरियो स्पीकर के साथ आ रहे हैं तो एक सराउंड साउंड का इफेक्ट बन जाता है वो आप डेफिनेटली यहां पर मिस करेंगे

के डिवाइस में चलेगा यहां पर उसी के साथ अभी जो है प्रेजेंट सिनेरियो में आ जाते हैं क्योंकि 5G 5G कर रहे हैं 5G आ नहीं रहा है 5G के भरोसे चार फोन ले लिए साला 5G आएगा कब सो so 4G पे आते हैं 4G यहाँ पर काफी अच्छे से वर्क करता है कैरियर एग्रीगेशन का आपको अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल जाता है ऊपर से आपको फोन में NFC भी मिलता है कॉलिंग के टाइम पे कोई भी दिक्कत नहीं आती है आपका माइक से दूसरे को आउटपुट भी काफी अच्छा जाता है सारी चीजें टेस्ट कर चुकी है आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कॉलिंग में बस एक चीज का ध्यान रखना है गूगल डायलर मिलता है तो मतलब यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग सो जैसे आप कॉल रिकॉर्डिंग दबाएंगे गूगल वाली एंटी बोलेगी कि भैया हम आपको सुन रहे हैं और चार लोगों को और सुना रहे हैं तो आप शांत हो जाइए सेंसर्स में बात करें तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर आपको मिल जाता है जो अच्छे तरीके से वर्क करता है कॉलिंग के दौरान एंड आपको और एसेंशियल सारे सेंसर्स में मिल जाते हैं बट अगर बात करें यहां पर हैप्टिक्स की तो यहां पर एक चीज डिसअपॉइंटमेंट हुई है हैप्टिक्स में बहुत अच्छी आपको मोटर नहीं मिलती अंदर यहां पर जिस हिसाब से मेरे को शॉमी इलेवन आई हाइपर चार्ज में रियलमी नाइन प्रो प्लस में हैप्टिक्स मिले उसका यहां पर मैं बोलूंगा फिफ्टी परसेंट आपको इसमें हैप्टिक्स मिलता है उसी के साथ आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है जो बहुत ही तेजी से यहां पर वर्क करता है एंड आपको वेरियस एनिमेशन भी यहां पर मिल जाते हैं कस्टोमाइजेशन में एंड कस्टोमाइजेशन की बात करिए तो यू एंड सॉफ्टवेयर को कैसे भूल जाए तो आपको यहाँ पर लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन नहीं मिलता है आपको एंड्रॉय 11 पे यहाँ पर दिया गया है इस टाइम पे जो है जो जो फोन एंड्रॉइड 11 के साथ आ रहे हैं इन पे जो है अलग से एक सेक्शन धारा लगानी चाहिए क्योंकि एंड्रॉइड 12 तो एटलीस्ट आउट ऑफ द बॉक्स दो आज के टाइम पे सो यहाँ पर आपको एंड्रॉइड इलेवन मिलता है बेस्ड ऑन ऑक्सीजन ओ एस वर्जन इलेवन जिसे आप यहाँ पर कलर ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं तो so, सॉफ्टवेयर में डे टू डे यूसेज में कोई भी दिक्कत नहीं आती है चाहे आप स्क्रॉल कर रहे हो ट्विटर इंस्टाग्राम यूट्यूब वगैरह कुछ भी देख रहे हैं कोई भी आपको जिटरीनेस या कोई ऐसा लैग वगैरह फील नहीं होगा काफी अच्छे से ये सारी चीजों को यहां पर हैंडल करता है उसी के साथ साथ यहां पर ऑक्सीजन ओएस है तो आपको ब्लू टेल्स नहीं मिलते हैं जितने यहां पर रियलमी में जितने मीम यू में मिलते हैं सो ब्लूट्स की दुनिया से आप यहां पर आगे हैं एंड जो वन में कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाते हैं वही सब आपको यहां पर मिल जाते हैं एंड वन वालों ने बोला कि हम दोबारा से बैक टू ट्रैक आने वाले हैं कोड इनका सेम रहेगा बट ये दोबारा से क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड जाने वाले हैं जो कि एक अच्छी बात है एंड यहाँ पर एक और अच्छी बात यह है कि आपको दो साल के एंड्रॉइड के अपडेट मिलेंगे मतलब 11 से 12, 13 तक मिलेगा एंड तीन साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल जाएंगे नॉट सी टू के साथ सो so, ओवरऑल यहाँ पर मीडिया टेक 900 नाइन के साथ जो इसमें प्रोसेसर आता है ऑक्सीजन का तड़का काफी अच्छे से बिठाया गया है जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर एंड यू में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई काफी अच्छा सॉफ्टवेयर यहाँ पर मैं बोलूंगा इसमें आपको मिल जाता है सो डेफिनेटली ऑक्सीजन ओ वर्थ है इस प्राइस में अब आ जाता है एक और इम्पॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर आप अपनी जानु मानुष्यो नमूना जिससे भी बात करते हैं उसके लिए आपको एक कैमरा होना काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है फिफ्टी मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर मिल जाता है इसमें आप बैक कैमरा से फोर के एट थर्टी तक रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड फ्रंट से भी आप यहाँ पर वन जीरो एट पिक्सल एट थर्टी तक रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड फ्रंट में यहाँ पर आपको सोलह मेगा का सेंसर देखने को मिल जाता है कैमरा ओवरऑल आपको ओके okay ओके -okay मिलता है अगर आप यहाँ पर आउटडोर में बहुत ज्यादा फोटोज खिंच हैं तो काफी अच्छी आपको डिटेलिंग काफी अच्छा यहाँ पर एक्सपोजर काफी अच्छा कॉन्ट्रास्ट एंड काफ़ी अच्छे कलर्स आपको मिल जाएंगे बट अगर आप यहाँ पर जैसे लो लाइटिंग में आते हैं थोड़ा सा यहाँ पर लाइट कम होने लगती है तो यहाँ पर जो है इसका सेंसर दिक्कत देना स्टार्ट कर देता है एंड इवन यहाँ पर कलर प्रोडक्शन में भी कई भी कबार यहाँ पर ऊपर नीचे हो जाता है एंड इसकी एक डिटेल्ड वीडियो हमने बनाई है आप उस वीडियो को यहाँ पर आई बटन में जाके देखिए ए टू जेड सब डाउट क्लियर हो जाएंगे हमने इसके कंपेटिटर से कैमरा कंपेयर किया है नाइट मोड भी यहां पर ओके ओके है मैक्रो मोड भी यहां पर आपको ओके ओके मिल जाता है एंड वीडियो के डिपार्टमेंट में ई का सपोर्ट है जिसकी वजह से थोड़ी बहुत स्टेबलनेस आपकी वीडियो में आ जाएगी बट वो 4K में सपोर्ट नहीं करेगा सिर्फ और सिर्फ 1080 जीरो एट सिक्सटी फ्रेंड्स तक सपोर्ट करता है लेजेंट्स लाइक कैमरा बट अल्ट्रा पीरो लेजेंड्स लाइक परफॉर्मेंस तो यहां पर परफॉर्मेंस एंड गेमिंग की बात करें तो मीडा टेक डायमेस्टी नाइन का प्रोसेसर मिल जाता है जो कि एक पावरफुल प्रोसेसर है नाइन के बाजू में ही थोड़ा सा ये आता है तो यहां पर आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस मिल जाती है डे टू डे यूसेज में कोई दिक्कत नहीं है बट जब आप गेमिंग करते हैं काफी लंबे टाइम तक गेमिंग करेंगे लाइक एक घंटा आधा घंटा गेमिंग करेंगे तो आपको थोड़ी बहुत यहां पर लैग्स देखने को मिलेंगे बी में कॉल ऑफ ड्यूटी में जो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा हो रहे थे बट अभी ओ अपडेट के बाद थोड़ा बहुत यहाँ पर स्टेबलनेस आई है बट स्टिल मैं बोलूंगा और ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है गेमिंग को लेकर क्योंकि स्कोर्स वगैरह यहाँ पर अच्छे आए हैं बट गेमिंग की परफॉर्मेंस उस हिसाब से हमें नहीं मिल रही है कॉन्स्टेंट सिक्सटी एफ नहीं मिलते हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कत यहाँ पर हो जाती है आई होप सो आने वाले टाइम में ऑक्सीजन ओ में ओ अपडेट दे इन चीज़ों को फिक्स किया जाएगा उसके अलावा यहाँ पर हीटिंग का कोई इशू नहीं है ऐसे गर्मी के माहौल में भी हम जो है BGMI खेल रहे हैं थोड़ी बहुत हीटिंग तो होगी लेकिन उस एक्सट्रीम लेवल की हीटिंग जिसमें बहुत ज्यादा बैटरी ड्रेन हो जाती है वो हीटिंग यहाँ पर नहीं मिलती आप अब बात करें बैटरी बैकअप एंड चार्जिंग के बारे में तो बैटरी बैकअप इस फोन का काफी अच्छा है मैं काफी इंप्रेस हुआ हूं इसके बैटरी बैकअप अग से अगर आप नॉर्मल टू मॉडरेट यूसेज करते हैं तो इजिली दस घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है ये चीज पॉसिबल होती है सॉफ्टवेयर और ऑप्टिमाइजेशन की वजह से सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन इसका अच्छा है तो बैटरी बैकअप भी उस हिसाब से अच्छा निकल के आता है बट गेमिंग वगैरह करेंगे या इंटेंस टास्क करेंगे तो मैं बोलूंगा पांच से छह घंटे का आपको स्क्रीन ऑन टाइम मिलेगा इसमें एंड वहीं पर बात करें चार्जिंग की तो आपको यहाँ पर सिक्सटी फाइव का सुपर वॉक चार्जर इसमें देखने को मिल जाता है जो आपके फोन को यहां पर थर्टी से थर्टी मिनट में जीरो से हंड्रेड फुल चार्ज कर देता है सो so, चार्जिंग की भी कोई दिक्कत नहीं है यहां पर जल्दी से ड्रेन गया तो जल्दी से चार्ज भी हो जाएगा एंड इस फोन को हम सेल भी करने वाले हैं तो जितने लोग भी इंटरेस्टेड हैं हमें इंस्टाग्राम या ट्विटर पे मैसेज कर सकते हैं अच्छी खासी डील हम आपको दे देंगे एंड बिल्कुल न्यू कंडीशन में फोन रहता है आपको पता ही हमने बहुत सारे लोगों को ऐसे फोन दिए हैं जब हम शूट करेंगे इनके गाने भी तभी बजते हैं तो यहाँ पर बात करें अगर हम कंक्लूजन के बारे में कि आपको इस फोन को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए क्यों नहीं लेना चाहिए सो अगर आप ऐसे यूजर हैं आपके लिए मैटर करता है कि यहाँ पर ब्रांड मतलब ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा मैटर करती जैसे है जैसे वन प्लस है भैया आपके पास तो चार लोग और पूछते हैं फोटो के नीचे लिखा हुआ है शॉर्ट ऑन वन प्लस तो चार लोग और पूछते हैं तो डेफिनेटली आप इस फोन के साथ जा सकते हैं वन प्लस वालों ने इस प्राइस सेगमेंट में इस फोन को लॉन्च किया है कि यहाँ पर एक नॉर्मल इंसान भी वन प्लस को अफोर्ड कर सकता है उसके अलावा यहाँ पर आपको यू आई ऑक्सीजन ओ अच्छा खासा मिल जाता है नहीं बोलूंगा कि बेकार है कैमरा आपको ओके ओके मिल जाता है परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक मिल जाती है एंड अच्छे खासे फाइव का सपोर्ट मिलता है बैटरी बैकअप अच्छा चार्जिंग स्पीड है सो ओवरऑल so एक अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है ब्रांड वैल्यू के साथ ये सारे फैक्टर्स भी अगर आपके लिए मायने रखते हैं तो डेफिनेटली आप इस फोन के साथ जा सकते हैं आपको अच्छा खासा एक फोन इस प्राइस रेंज में मिल जाएगा बट बहुत ज्यादा आप कैमरा से एक्सपेक्टेशन मत रखिए तो थोड़े बहुत आप से दबा दीजिए ताकि कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो फ्यूचर में सो so, मिलते हैं ऐसे किसी न्यू इंटरेस्टिंग देन जय हिंद टेक केयर एंड स्टे फिट आज का विचार काफी अच्छा विचार है ध्यान से सुनिएगा जो नहीं है हमारे पास वो ख्वाब है जो नहीं है हमारे पास वो ख्वाब है लेकिन जो है हमारे पास वो भी लाजवाब है सो जो है हमारे पास उसमें खुश रहिए जो नहीं है उसके बारे में सोच के कोई मतलब नहीं है